महिंद्रा की देशी एसयूवी बोलेरो BS6 इंजन के साथ इंडिया में लॉन्च हो चुकी है, तो आज करेंगे इसका डिटेल रिव्यू। सो हेलो एंड वेलकम गाइस टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं मेरा चैनल ऑटोमोबाइल टेक्नो। इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि गाड़ियों से रिलेटेड वीडियोज इस चैनल पर मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं कवर करने वाला हूँ इसकी प्राइस, स्पेसिफिकेशन, इंजन और थोड़े मोड़े चेंजेस भी साथ में इसके बताते रहूँगा। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रंट व्यू की। तो इसमें बहुत सारे आपको चेंजेस देखने के लिए मिल जाएंगे। अब इसमें आ चुका है एक नया स्टाइलिश हेडलैम्प, जिसको महिंद्रा ने नाम दिया है स्टाइलिश न्यूक्लियर लेंस हेडलैम्प। इसमें फॉग लैम्प भी नई डाल दी गई है और इसका जो बम्पर है वो भी नया आ चुका है, जिसका नाम है एक्स शेप्ड बम्पर। और इसकी जो पहले फ्रंट ग्रिल आती थी वो भी चेंज हो गई है और अब इसमें आ जाती है न्यू बोल्ड सिल्वर क्रोम ग्रिल। और इसमें बीच में आपको महिंद्रा का लोगो देखने के लिए मिल जाएगा। तो जो ज़्यादा चेंज आया है वो फ्रंट से ही है, फ्रंट का एकदम चेंज कर चुके हैं ये लोग। आ जाते हैं साइड में, तो साइड में कुछ चेंज नहीं है, पोस्टर भी सेम है, गाड़ी की डिज़ाइन साइज भी सेम है। बात करें टायर की, तो ये पहले जो आते थे 15 इंचेस के कुछ ऐसे दिखने वाले टायर, अभी भी ऐसे ही आते हैं। बात करें डायमेंशंस की, तो डायमेंशन में भी कोई चेंज नहीं है। 3995 mm का लेंथ, 17045 mm की विड्थ और 1880 mm की हाइट आपको इस गाड़ी की मिल जाती है। बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की, तो 195 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाएगी बोलेरो में। बैक साइड की ओर चलते हुए, तो आप सबसे पहले ध्यान देंगे इसकी टेल लैंप्स में। अब इसकी नई टेल लैंप्स आ गई है, जिसको महिंद्रा ने नाम दिया है न्यू न्यूक्लियर लेंस टेल लैंप्स। इसमें इंटीग्रेटेड रिवर्स पार्किंग लाइट और सेंसर सब आ जाते हैं। गाड़ी के बैक साइड में 2 रेयर पार्किंग सेंसर आ जाएंगे और गाड़ी का स्पेयर व्हील रेयर डोर पर आपको मिल जाएगा, जिसपे बोलेरो की बैचिंग भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो गाइस, ये तो अब बात होगी एक्सटीरियर की, और बढ़ते हैं इंटीरियर की तरफ। लेकिन बात बता दूँ, एक्सटीरियर में ज़्यादा चेंज किया ये लोग ने, इंटीरियर में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। तो आइए एक नज़र इंटीरियर पे भी डाल लेते हैं। तो इंटीरियर में सबसे पहले आप देखेंगे इसके, आपको मिल चुका है एक एयरबैग। सिर्फ ड्राइवर साइड के लिए एयरबैग दिया है, को ड्राइवर साइड के लिए अभी भी एयरबैग इसमें नहीं आता है। तो ये टॉप मॉडल है, BS6 ऑप्शनल, तो इसमें आपको स्टीरियो भी मिल जाएगा, मतलब कि एक म्यूजिक सिस्टम अवेलेबल है। इसमें AC मिल जाएगी 4 फेस की, जो कि मैनुअली एडजस्टेबल है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलता है। बात करें ट्रांसमिशन की, तो इसमें सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन आता है, वो भी 5 स्पीड गेयरबॉक्स ट्रांसमिशन के साथ। बात करें विंडो की, तो 4 पावर विंडो आप में मिल जाएगी। रेयर में आपको रेयर आर्मरेस्ट मिल जाएगा। बात करें सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये 7 सीटर सीटिंग कैपेसिटी के साथ बोलेरो मिल जाएगी। बात करें इंजन की, तो फ्रेंड्स इसमें आपको मिल जाएगा महिंद्रा का M-Hawk 1.5 लीटर का डीजल इंजन। और ये 1.5 लीटर का डीजल इंजन प्रोड्यूस करने वाला है 210 Nm का टॉर्क और 76 PS का पावर। तो गाड़ी बहुत ही रफ एंड टफ है, अपने परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही बढ़िया है और एकदम चीप प्राइस में ही आपको मिल जाती है। तो बात करें इसकी प्राइस की, तो इसमें आपको 3 वेरिएंट मिल जाएंगे, B4, B6, B6 ऑप्शनल। तो B4 जो कि बेस वेरिएंट है, उसकी प्राइस आपको लगभग पड़ जाएगी 7.98 लैक्स तक। मिड वेरिएंट B6 की आपको मिल जाएगी 8.64 लैक्स एक शोरूम दिल्ली, और टॉप मॉडल B6 ऑप्शनल पड़ जाएगा आपको 8.99 लैक्स एक शोरूम दिल्ली के हिसाब से। इसी के साथ साथ इसमें आपको मिल जाएगा माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी सिस्टम, मतलब कि जो ट्रैफिक में अब अगर आप गाड़ी खड़ी करोगे तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट भी हो जाएगी और स्टॉप भी हो जाएगी। तो महिंद्रा ये बहुत ही चीपेस्ट SUV निकाला है, जो कि BS6 कंप्लाइंट के साथ आ चुकी है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगले एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ऑटोमोबाइल टेक्नो को। अगली वीडियो तक सुरक्षित चलिए, धन्यवाद।